नमस्कार, मेरा नाम है नकुल कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पूर्वी चंपारण जिले में चंपा के 80,000 पौधे लगाने वाले कौन बनेगा करोड़पति सीजन 5 के विजेता सुशील कुमार हमारे साथ हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस पर इन्होंने कई जगहों पर पौधा लगाया है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। और सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सुशील जी, पूरे चंपारण में चंपा से चंपारण अभियान आपने चलाया, कैसा फीडबैक रहा और कितना पौधा आपने लगाया? आज से लगभग 5 साल पहले हम लोगों ने चंपा से चंपारण अभियान चलाया। चंपारण का जो नाम है पुराना, वो है चंपकारण्य, अर्थात चंपा का जंगल। और इसी को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए हर महत्वपूर्ण जगह और हर घर में चंपा का पौधा लगाना शुरू किया। विगत 5 सालों में लगभग 80,000 चंपा के पौधे लगे हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में पौधे जीवित हैं। अक्सर सोशल मीडिया पे अन्य लोगों द्वारा भी डाला जाता है जिनके हम लोगों ने लगाया है, फूल खिल रहा है। और इस तरह उसके अलावा भी हम लोगों ने आम महुआ पौधरोपण अभियान चलाया। पीपल के हम लोगों ने लगभग 450 पेड़ लगाए हैं। गौड़िया संरक्षण पे भी हम लोगों ने 10,000 से अधिक घोंसले वितरित किए हैं। तो इन सब का संपर्क संबंध पर्यावरण से ही है। आज पर्यावरण दिवस था तो आज भी हम लोगों ने बहुत जगह पौधा लगाया। हम लोग का उद्देश्य है कि लोग पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक हों और पेड़ पौधा लगाएं, उनकी रक्षा करें और पौधों को काटे नहीं, चिड़ियों के लिए पानी दें, इससे पर्यावरण को लाभ होगा। तो 80,000 पौधे आपने चंपा से चंपारण अभियान के तहत लगाए, तो पूरे चंपारण के कई हिस्सों में आपने यात्राएं की, लोगों का पर्यावरण के प्रति कैसा रुख रहा? पर्यावरण के प्रति सामान्य नागरिक बहुत ध्यान नहीं देते हैं। जो व्यापक पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग का दुष्प्रभाव हो रहा है, जो गर्मी बढ़ रहा है, जैसा हम सब महसूस कर रहे हैं, जलस्तर नीचे जा रहा है, इसको लेकर आम आदमी कॉन्शियस नहीं है। उसी को जागरूक करना है, क्योंकि बहुसंख्यक आम आदमी ही है। अगर आम आदमी जागरूक हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे पर्यावरण संकट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी है, बहुत जगह ऐसी बहुत सारा प्रदूषण है। लेकिन चीज़ों को कम करना हमें प्रयास करना चाहिए कि ये कम हो। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय चिंताएं जो हैं उनका क्या स्थिति है, एग्जैक्ट स्थिति क्या है आपके अनुसार? जब मैं शहर गांव दोनों घूमता हूँ, गांव में खूब पेड़ पौधे हैं और पानी अमूमन रहते हैं, पानी भी रहता है, और इसलिए वो उतने जागरूक नहीं है। लेकिन वो ज़्यादा संरक्षित करते हैं पेड़ पौधा, तो हमको लगता है कि वो ज़्यादा काम करते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। खूब पेड़ लगाते हैं अपने आसपास, किसी गांव में जाइएगा किसी दरवाजे पे तो आपको खूब पेड़ पौधे मिलेंगे, तो हमको लगता है वो ज़्यादा जागरूक हैं, बावजूद कि वो इन समस्याओं को नहीं जानते हैं कि दुनिया में कैसे बदलाव आ रहा है पेड़ पौधे कटने के कारण। लेकिन बहुत पेड़ पौधे लगाते हैं, तो गाँव हमारा धनी है पेड़ पौधे में, ये मैंने महसूस किया। और लोग खूब पेड़ पौधे लगाते हैं, उन्हें बचाते भी हैं। वर्तमान समय में जो पर्यावरण की जो चिंताएं हैं उसको लेकर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को जागरूक करने की आवश्यकता है, तो आपने इसको लेकर क्या सोचा है कि कैसे उनको जागरूक किया जा सके? अक्सर आपने देखा होगा मैं विद्यालयों में जाता हूँ, जब प्रार्थना का समय होता है, बच्चों से बात करता हूँ, पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा करता हूँ और पूछता हूँ कि किन्होंने पौधा लगाया, अगर बताते हैं तो उनको सम्मानित करने काम किया जाता है। और बच्चों से कहा जाता है कि आप लोग लगाइए, अपने सोशल मीडिया पर इसको डालिए। सोशल मीडिया पर डालने से क्या होता है ना कि लोगों के दिमाग में जाता है कि अच्छा, पेड़ पौधा लग रहा है, हमें भी लगाना चाहिए, इसलिए हम जाते हैं। और सैकड़ों स्कूल में हम गए होंगे, जो आप देखते भी होंगे सोशल मीडिया पे, उसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य हैं। और जिसके कारण वो अगर वो जागरूक हो गए तो चीज़ें बदलेंगी। शहरों में जहाँ जगह कम है, रहने के लिए जगह कम है, तो लोग पेड़ पौधे कहाँ से लगाएंगे? तो शहरों में वृक्षारोपण का फिर कैसे वृक्षारोपण होगा? देखिए, ऐसा नहीं है शहरों में जगह कम है। लोग क्या करता है ना कि जिनका ज़मीन है वो सब छेंक के घर बना लेते हैं। थोड़ा सा कैंपस रखना चाहिए और ऊपर गार्डनिंग भी करे और थोड़ा कैंपस रखे, तो कम से कम एक जिम्मेवारी बोध जो होता है ना कि हम अपने लिए भी इतना ऑक्सीजन पैदा कर ले, और थोड़ा जल संरक्षण की दिशा में काम करे लोग, कि पानी बचाने का प्रयास करें, यानी पानी कम खर्च करने का प्रयास करें, अंडर वाटर, हाँ, और प्लास्टिक के जगह पे जो झोला है उसका इस्तेमाल करें। तो इतना भी अगर करे एक आम नागरिक ना, तो बहुत हद तक चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। तो बहुत हद तक चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। हमारे साथ KBC विजेता सुशील कुमार थे, जो कि पूरे पूर्वी चंपारण क्षेत्रों में घूमकर जो है चंपा से चंपारण अभियान के तहत 80,000 चंपा के पौधे इन्होंने लगाए हैं। इसके अलावा आम, नीम, महुआ, कटहल वगैरह सब लगा रहे हैं।
और कहीं ना कहीं जो पर्यावरण के जो चिंताएं हैं वैश्विक स्तर पर, उन चिंताओं का निराकरण करने की दिशा में, चूंकि हम प्रकृतिक पूजक शुरू से ही रहे हैं, तो फिर से एक बार हम पूरे दुनिया में जो है वो लीड करें। पूर्वी चंपारण से नकुल कुमार, न्यूज़ 18।